दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोड ECS T10 सीरीज की जो अगला मुकाबला होने वाला है MAU वर्सेस SPA के दरमियान में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि MAU और SPA के टीम ने अभी तक इस सीरीज के दोस्तों कितने मैचेस खेले हैं, कितने मैचेस MAU की टीम विन करते हुए आ रहे हैं, कितने मैचेस SPA की टीम ने विन करा है दोस्तों, और इस सीरीज के खेले गए मैचेस में कौन से खिलाड़ी लगातार यहाँ पे ओपन करते हुए दिख रहे हैं, कौन से खिलाड़ी आपको फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जितने भी प्लेयर्स हैं सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि कौन से बॉलर यहां पे आपको कंप्लीट दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, कौन से बॉलर आपको एक ओवर तक बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, कैप्टनसी के लिए किसको लेना सही रहेगा, वाइस कैप्टनसी के लिए किसे आप ट्राई कर सकते हैं, सारे खिलाड़ियों का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम तैयार करना चाहते हो तो इस वीडियो को बस आपको शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि इस मैच से रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाए और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों इस पर आप क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे जो बेल आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी आप लोग सिलेक्ट कर लेना। देखो इससे क्या होगा ना दोस्तों कि अगला वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। दोस्तों अगर स्टेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और सबसे जरूरी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देखो यहां पे ना आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 36,000 से भी अधिक यूजर ने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको भी कर लेना चाहिए। देखो क्या होगा ना कि अभी मैं इस वीडियो के अंदर सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर के साथ स्टेट दूंगा और लास्ट में एक टीम तैयार करेंगे जो ऑलमोस्ट मेरा फाइनल टीम रहेगा, लेकिन फिर भी अगर उस टीम में लाइनअप आने के बाद एक भी चेंजेस होते हैं दोस्तों तो वही टीम अपडेट कर दिया जाता है बिल्कुल फ्री इस ग्रुप में। तो जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में मिल जाएगा। तो मैंने आपको दो जगह लिंक शेयर कर दिया है, कहीं भी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टेट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मैच वेन्यू से स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों इस सीरीज के सारे मैचेस ना एक ही ग्राउंड पे होंगे और यहाँ का अगर आप पिच देखोगे दोस्तों तो बैलेंस पिच है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो पेसर्स को बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि अपने टीम में पेस बॉलर्स को अधिक से अधिक अपने टीम में आप ले सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर पेस बॉलिंग करते हुए देखेंगे जिसे आप आसानी से ले सकते हो, जो पिच से थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिला है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे वेदर के बारे में, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे बादल देखने को मिलेगा इस ग्राउंड पे। बाकी दोस्तों अगर देखोगे एक एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर तो यहाँ पे 100 रन के आसपास फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर को देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि MAU की टीम ने जो अभी तक दो मैचेस खेले हैं, पहला मुकाबला जो कि INT के खिलाफ हुआ था, जिसमें से अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहां पे INT के टीम यहां पे विन करते हुए आए हैं, MAU की टीम ने लॉस करा था इस सीरीज के पहले मैच में, इस टीम ने लॉस करा है। और हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे ना तो MAU और SPA के खिलाफ एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यह मैच जो था यहां पे ड्रॉ रहा था देख सकते हैं, लेकिन यहां पे MAU की टीम थोड़ा स्ट्रांग नजर आए थे जो कि मात्र 3 विकेट पे दोस्तों 80 रन तक यहां पे बनाए थे, लेकिन SPA की टीम को ये बनाने में करीब 7 विकेट खोना पड़ा था। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे MAU की टीम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन SPA के खेले गए अगर यहाँ पे अगर आप दोस्तों यहाँ पे तीन मैचेस को देखोगे ना तो पहला मुकाबला INT के खिलाफ हुआ था, जिसमें से 52 रन का टारगेट मिला था, लेकिन SPA के टीम ने इस रन को आसानी से चेस कर लिया था दोस्तों। लेकिन और वहीं अगर बात करें सेकंड टीम के बारे में, सेकंड टीम जो कि 104 रन का टारगेट दिया था लेकिन INT के टीम ने चेस कर लिए थे और यहाँ पे लॉस हुआ है। और थर्ड मैच जो कि यहाँ पे SPA के खिलाफ हुआ था दोस्तों, जिसमें से ये मैच तो यहाँ पे हालांकि ड्रॉ ही रहा था, यानी कि इस टीम ने अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तीन मैचेस खेले हैं, दो मैचेस वन कराया है और एक मैचेस यहाँ पे टाई रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस सीरीज के खेले गए मैचेस में कौन से खिलाड़ी ओपन कर रहे हैं, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको सजाद हसन खेलते हुए नजर आएंगे। देखो मित्रों अगर इनके बारे में बात करेंगे ना, ये राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखेंगे, ऑफ स्पिनर भी है, लेकिन अभी तक बॉलिंग करने का इनको कोई भी मौका नहीं दिया गया है। ये यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों और ओपन करते हुए पहले मैच में 7 रन, दूसरे मैच में 1 रन बनाए, ये टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे। कमिल अहमद की बात करेंगे राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए देखेंगे, प्लस यहां पे फास्ट बॉलर भी है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे दोस्तों। टीम के ओपन करते हुए पहले मैच में 10 रन बनाए थे और तीन विकेट निकाले हैं, पूरे दो ओवर की गेंदबाजी भी करेंगे, 11 रन खर्च किए थे और तीन विकेट निकाले हैं। फिर यहां पे दोस्तों 29 रन बना के एक विकेट निकाले हैं, पूरे यहां पे दो ओवर में 14 रन खर्च किए थे और एक विकेट निकाले थे। तो पूरी सीरीज में अगर आप देखेंगे ना, इसी प्रकार अगर इनका टोटल स्कोर देखा जाए तो टोटल स्कोर अभी इनका हो जाता है 39 रन दो मैचेस में, और विकेटों की बात करेंगे तो 4 विकेट टोटल इन्होंने निकाले दोस्तों। बहुत ही सेफ गेंदबाज है, प्लस यहां पे टीम
बैटिंग के टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे। कैप्टनसी के लिए याद रखना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। राशिद अब्बासी की बात करेंगे, टीम के राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखेंगे। टीम का फर्स्ट उनका बल्लेबाज है, पहले मैच बैटिंग से फ्लॉप रहे हैं, बॉलिंग से भी कुछ खास रिकॉर्ड अभी तक रहा नहीं क्योंकि बॉलिंग को दिया गया नहीं, लेकिन अपने करियर में बॉलिंग की है इन्होंने। टीम का टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे दोनों मैच में, हालांकि ये बंदा फ्लॉप रहा है दोस्तों। बाकी बात करेंगे अब्दुल कलाम के बारे में, अब्दुल कलाम आजाद जो कि आपको वाइस कैप्टनसी के लिए काफी लोगों ने पसंद किया हुआ है। रीजन ये है कि राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखेंगे, ऑफ स्पिनर भी है, टीम का सेकंड राउंड का बल्लेबाज है, 36 रन बना के एक विकेट पहले मैच में निकाले हैं, फिर यहां पे 25 रन बना के दो विकेट निकाले हैं, आपको एक से दो ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। इनको अपने टीम में आप ले सकते हो, जो बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे और वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाला है, तो इनको अपने टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से देखो तो वाइस कैप्टनसी के लिए भी सबसे सेफ रहेगा। बाकी अब्दुल खान की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों, राइट आर्म बॉलर भी है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका बॉलिंग तो बहुत ही सुपर रहा है, हालांकि एक भी विकेट अभी तक भले ही नहीं मिला हो, लेकिन इकोनॉमी काफी शानदार रहा है दोस्तों। पहले मैच में देखोगे थर्ड राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए थे, इसमें कोई विकेट नहीं मिला है, फिर दोस्तों यहाँ पे 19 रन बनाए थे, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन टीम का तीन नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अहमद की बात करेंगे, टीम के कैप्टन है दोस्तों, राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑफ स्पिनर भी है, पहले मैच में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है, एक ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों। याद रखना अगर आप इनको ट्राई करते हैं तो सकते हैं, सबसे अच्छी बात है ना, ये टीम के कैप्टन है, ले सकते हो, मनमानी थोड़ा सा करेगा, टी10 के मैचेस से आप थोड़ा सा यहां पे समझ सकते हैं, लॉजिक लगाओ और इनको अपने टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी देखो इनको बैटिंग बॉलिंग का मौका नहीं दिया गया, इनको ड्रॉप करेंगे। जहीदुल इस्लाम की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए देखेंगे, लेफ्ट आर्म बॉलर भी है और पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिला, 37 रन खर्च किए थे, दूसरे मैच में 13 रन खर्च किए थे, यहां पे भी कोई विकेट नहीं मिला, दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। शुकीश सिंह की बात करेंगे, ये आपको विकेट कीपिंग में नजर आएंगे, राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, और इनको कोई भी विकेट नहीं मिला, इनको ड्रॉप करेंगे। बाकी अगर जवान सिंह की बात करेंगे, दो मैच इन्होंने खेले हैं, दो मैच खेले हैं दोस्तों अभी तक इस सीरीज के, दोनों मैच में खेलते हुए नजर आए हैं, दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग भी करा है, पहले मैच में एक विकेट और दूसरे मैच में भी इनको एक विकेट मिला है। देखो टीम के बहुत ही शानदार गेंदबाज है और इनको अपने टीम में आप ट्राई कर सकते हो। तो ये था दोस्तों जानकारी MAU का स्टेट्स, जो कि दो मैचेस खेले हैं और बैटिंग ऑर्डर आपको यही देखने को मिलेगा, याद रखना दोस्तों। और जो गेंदबाजी दो ओवर कर रहा है इनको तो मस्ट पिक करना अपने टीम में, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पेसर्स को अधिक सपोर्ट मिलेगा, और जिसको जिसको मैंने आपको पेसर्स बताया इनको अपने टीम में जरूर पिक करना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ना आपको यहां पे बॉलिंग बहुत ही सुपर करते हुए दिखेंगे, जरूर ट्राई करना दोस्तों। यहां पे ये ऑफ स्पिनर है लेकिन विकेट की अभी तक देखो नहीं निकाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था स्पिनर को थोड़ा सा यहां पे दिक्कत देखने को मिल रहा है। बाकी जो भी हमें फास्टर बॉलर है इनको अपने टीम में ले सकते हैं, जैसे कि यहां पे कमिल अहमद जो कि डेथ ओवर भी बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं, तो इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी सेकंड टीम की बात करेंगे SPA के टीम के बारे में, जो कि अभी तक इस सीरीज के तीन मैचेस खेल चुके हैं। यहां पे आपको यहां पे फिल पेनिक का ओपन करते हुए नजर आएंगे, फिल पेनिक जो कि बहुत ही सुपर खिलाड़ी दोस्तों, राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, पहले मैच में ओपन करते हुए 11 रन बने, दूसरे मैच में 8 रन, फिर 4 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। देखो टीम के ओपन करेंगे, इनको अपने टीम में आप ले सकते हो, जिनके टॉप पे बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। बाकी ब्राउन की बात करेंगे, ये राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखेंगे, ये ओपन करते हुए पहले मैच में 2 रन, फिर 15 रन बनाए, फिर यहां पे 2 रन बनाए, ही आपको टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन याद रखना दोनों के दोनों ओपनर बल्लेबाज चल नहीं रहे इस सीरीज के, जो अभी तक तीन मैचेस खेले हैं इस टीम की तरफ से, दोनों खिलाड़ी कुछ खास अभी तक यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला नहीं दोस्तों इस टीम की तरफ से ये दोनों खिलाड़ी। लेकिन इस मैच में भी बहुत ज्यादा चांस है कि ओपन करते हुए दिखेंगे। बाकी देखो इनको अपने टीम में ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों टीम के ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आज एक बड़ा पारी खेले। बाकी जेक परमन की बात करेंगे ना, ये कैप्टनसी के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाला है। देखो राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, लेग स्पिनर है दोस्तों, फर्स्ट राउंड का खिलाड़ी है, पहले मैच में 28 रन, फिर 20 रन, फिर 28 रन बनाए हैं। देखो एक ओवर तक गेंदबाजी करते हैं, इनको अपने टीम में ले सकते हैं दोस्तों, जो बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाला है, जो कि फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी के साथ साथ आपको गेंदबाजी भी एक से दो ओवर करते हुए दिख जाएंगे। ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, टीम के बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है। बाकी बात करें रॉबर्ट के बारे में, राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखेंगे, टीम का सेकंड राउंड का बल्लेबाज है, पहले मैच में 4 रन थे, 11 रन, कोई विकेट नहीं मिला, आपको एक ओवर तक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर टेलर हगन की बात करेंगे, ये राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं दोस्तों, पहले मैच में 11, दूसरे मैच 7 रन बनाए, इनको देखो फिलहाल ड्रॉप करते हुए चलेंगे। बाकी वकार असर आप की बात करेंगे ना, ये राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखेंगे, पहले मैच में 3 विकेट निकाले हैं, 4 रन खर्च करते हुए, फिर 14 रन खर्च किए थे, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है। ये एक ओवर तक बॉलिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे विकेट पहले मैच में काफी बढ़िया, काफी शानदार इन्होंने निकाले थे। जमशेद अहमद की बात करेंगे, ये भी राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, राइट आर्म बॉलर भी है, पहले मैच में देखोगे तो यहाँ पे 0 विकेट निकाले थे, 24 रन खर्च किए थे, फिर 14 रन बनाए, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 6 रन बना के एक विकेट निकाले, ये भी आपको एक ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। जो वन ओवर बॉलर है आप चाहो तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर पहला ओवर अच्छा जाता है तो कैप्टन दूसरे ओवर के बारे में भी सोचता है, ये चीज आप थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी पॉल की बात करेंगे ना, ये पहले मैच में 1 विकेट निकाले हैं, दूसरे मैच में 9 रन बनाए, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 18 रन बनाए, इसमें भी कोई विकेट नहीं मिला, आपको दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं अगर जेक
की बात करेंगे, राइट हैंड बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। पहले मैच में दो विकेट, फिर यहाँ पे कोई विकेट नहीं मिला। दूसरे मैच में फिर यहाँ पे एक विकेट निकाले, आपको दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। डेरेन वॉलकर की बात करेंगे दोस्तों, ये पहले मैच में एक विकेट, फिर लगातार दो मैच में बंदा फ्लॉप रहा, आपको दो ओवर तक ये भी कंप्लीट गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। तो ये है जानकारी दोस्तों इस मैच से रिलेटेड, सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर के साथ स्टेट्स आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ हेल्प मिला होगा इस वीडियो के अंदर, इस मैच से रिलेटेड आपको सारी की जानकारी आपको मिला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ना एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें काफी मोटिवेट मिलता है। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं उन भाइयों से कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बाकी चलिए दोस्तों हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। के अहमद जिनको कैप्टनसी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, रीजन आपको पता ही होगा, टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों। जिनको जिसने वीडियो को शुरू से देखा होगा, आई हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आएगा, क्योंकि देखो मैंने पूरे क्लीन तरीके से ना आपको बताया कि कौन से खिलाड़ी किस ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्या चांस रहने वाले हैं, सारे डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्किप करके देखते हैं एक बार वीडियो को दोस्तों शुरू से जरूर देखा करना, फिर आपको रिजल्ट बिल्कुल अच्छा देखने को मिलेगा। देखो के अहमद को ट्राई करेंगे, बहुत ही सेफ खिलाड़ी रहेंगे दोस्तों। बाकी अगर देखेंगे बैटिंग के बारे में तो मैंने तीन इंपॉर्टेंट बैट्समैन को अपने टीम में ले रखा है। यहां पे मैंने पहले कहा था कि पी पैनिक जो कि बहुत ही सुपर खिलाड़ी है एसपी के टीम के तरफ से टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे। जे परमैन को ट्राई करते हुए चलेंगे, ए कलम आजाद भी बहुत ही सुपर ऑप्शन रहने वाले दोस्तों। देखो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए इनको लेते हुए चलेंगे, रीजन आपको पता होगा टीम का सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए नजर आ जाते हैं, प्लस गेंदबाजी भी कंप्लीट दो ओवर करेंगे। जे परमैन का स्टेट्स आपने देखा है, अभी तक कोई विकेट इनको नहीं मिला लेकिन बाजी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों बात करेंगे यहां पे ऑलराउंडर के बारे में, तो मैंने यहां पे दो ऑलराउंडर को अपने टीम में ट्राई कर रहा है। डब्ल्यू अशरफ की बात करेंगे तो ये गेंदबाजी बहुत ही शानदार करेंगे, इस वजह से मैं अपने टीम में ट्राई कर रहा हूं। बाकी दोस्तों अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने ए बॉरन को भी ट्राई किया हुआ, जो बहुत ही सेफ खिलाड़ी है। देखो रीजन आपको पता होगा इनके लेने के पीछे क्या लॉजिक है मेरा, ये आपको ना बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूं आपके लिए, देख सकते हैं ओपन कर रहे हैं, और भले देखो अभी तक तो कोई बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला नहीं, इस वजह से लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन याद रखना टीम का टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी कभी भी गेम चेंज कर सकता है। तो इस वजह से दोस्तों इनको हम लोग ट्राई करेंगे अपने टीम में। बाकी अगर आप देखोगे बॉलिंग के बारे में तो मैंने पांच इंपॉर्टेंट बॉलर को ले रखा है, डे वॉलकर जो कि टीम के कंप्लीट ओवर बॉलिंग करते हैं, एसपीए के टीम के तरफ से मेन गेंदबाज है, ये भी बहुत ही सेफ गेंदबाज है, दोनों को अपने टीम में ट्राई करेंगे दोस्तों। बाकी एसपीए के टीम की तरफ से देखोगे तो मैं इनको भी अपने टीम में ट्राई कर रहा हूँ, जो टीम के बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए अभी तक के खेले गए तीन मैचेस में। जे सिंह को मैं ट्राई करूंगा, इनका सिलेक्शन कम है लेकिन याद रखना ये भी कंप्लीट ओवर बॉलिंग करेंगे दोस्तों। बाकी मैं आर खान को अपने टीम में ट्राई कर रहा हूँ, जो टीम के ये भी काफी बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों। कैप्टनसी के लिए देखो मैं अपने टीम में यहाँ पे के अहमद को फिलहाल ट्राई कर रहा हूं, और वाइस कैप्टनसी के लिए दोस्तों यहां पे एक कलम आजाद को मैं ट्राई करूंगा। आपके पास ना चॉइस है, अगर आप चाहें तो जे परमान को ट्राई कर सकते हैं। याद रखना ये जो टीम है ना ये लगभग यहां पे सेफ टीम है और फाइनल टीम ही है, लेकिन इसमें एक भी चेंजेस होते हैं लाइन अप आने के बाद, तो मैं टीम आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में मिल जाएगा। तो मैंने दो जगह आपको लिंक शेयर कर दिया है, कहीं भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, शुक्रिया।